आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बड़ी खबर यूक्रेन में फंसे बिहार के छात्रों से जुड़ी हुई है। यूक्रेन से भारत पहुंचे बिहार के छात्रों का एक जत्था पटना पहुंचा। पटना में बिहार सरकार के मंत्री संजय झा, शाहनवाज हुसैन और डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने छात्रों का स्वागत किया। बिहार सरकार की माने तो करीब 273 छात्र बिहार के यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उन्हें लाने की कोशिशें चल रही हैं। यूक्रेन में फंसे छात्रों का जत्था पटना पहुंचा। बिहार सरकार के मंत्रियों ने किया स्वागत। मुंबई दिल्ली एयरपोर्ट पर अधिकारी तैनात। इन छात्रों के चेहरे पर खुशी देखने लायक है। यूक्रेन रशिया के बीच जारी जंग में फंसे इन छात्रों को सुरक्षित भारत वापस लाया गया। यूक्रेन के अलग अलग शहरों में पढ़ाई करने वाले बिहार के इन छात्रों ने अब राहत महसूस की है, सरकार को थैंक्स कहा है और अपील की है कि जो कीव में फंसे हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जाए। वहाँ पे अभी तो वॉर का सिचुएशन है और इवानों तक ट्रूप्स पहुँच गए हैं, तो हमारे पेरेंट्स काफ़ी वरीड थे इस चीज़ को लेके, लेकिन अभी फिलहाल हमें आने का इंडियन एम्बेसी ने हमें बहुत हेल्प करा और हम अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। गुलाब जिन्होंने रिसीव करने आया था उन्होंने दिया। किसने रिसीव किया? बिहार सरकार का अधिकारी है। गुलाब देख के थोड़ा मन में अच्छा अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लगा, यहाँ का मतलब सुकून हुआ, मतलब वहाँ सेफ्टी इशू था इसलिए। दिल्ली में इन छात्रों को बिहार सरकार के अधिकारियों ने रिसीव किया, गुलाब के फूल से स्वागत किया और अब इन्हें पटना भेजा जा रहा है। हमें ये विश्वास जागा है सरकार के लिए, जिस तरीके से सरकार ऐसे वक्त में भी साथ है कि किस तरीके से वहाँ पे भारतवासियों को जल्दी से जल्दी देश लाया जाए और बिना किसी तकलीफ के अपने घर तक कैसे पहुँचाया जाए, राज्य सरकार इसकी पुख्ता इंतजाम कर रही है। यहाँ दिल्ली से निकलने के बाद ये छात्र पटना एयरपोर्ट पहुँचे। पटना एयरपोर्ट पर इनका स्वागत बिहार सरकार के मंत्रियों ने किया। शाहनवाज, तारकिशोर और संजय झा एयरपोर्ट पहुंचे। जो बिहार के छात्र हैं उनको बिहार सरकार दिल्ली मुंबई जहां भी आएंगे वहां से अपना किराया देके घर तक पहुंचवाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। बिहार भवन और बिहार फाउंडेशन इसको देख रहा है। तौर पर वो राज्य सरकार वहन कर रही है और मुंबई से भी जो बच्चे आए हैं बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और बिहार फाउंडेशन उसको सारा प्रबंध कर रहा है और दिल्ली और मुंबई में दोनों में बिहार सरकार पूरा खर्च भी वहन कर रही है और हर व्यवस्था कर रही है। हमारे अधिकारी मुंबई के एयरपोर्ट पर भी रिसीव कर रहे हैं, दिल्ली के एयरपोर्ट पर रिसीव कर रहे हैं। आप ही देखिए वहाँ से दिया है, डेटा कोई नहीं है पूरा कि कहाँ बच्चे हैं, कितने बिहार के बच्चे हैं। जैसे जैसे जानकारी आ रही है, करीब 280 बच्चों की जानकारी आई है जो बिहार के हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं, तो उनसे कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वहाँ जो सिचुएशन रूम है वहाँ बिहार के ऑफिसर्स बैठ करके भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। बिहार सरकार का अनुमान है कि करीब 280 छात्र बिहार के हैं जो यूक्रेन में फंसे हैं और उन्हें निकालने का काम किया जा रहा है। बिहार सरकार ने इसके लिए बकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिन्हें मुश्किल हो रही है वो संपर्क कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।